एक्सपार की बात करें वो अभी भी आपको वाटर सिटी में ही मौजूद नजर आएगा। एक टीम वहां पे आए है एंड दैट गोना बी टीम 23 जहां पे फिलहाल आर्टिमस वो थोड़ा सा दूर है, बाकी गिल एंड ट्रांस बताएंगे कि नॉक आता है एंड सैयद ओबी को यहाँ पे इंस्टेंटली पनिश किया जाता है। काइंड ऑफ यहाँ पे सीआर क्लच भी जो है आई थिंक वो भी स्पॉटेड हो चुके हैं, तो उनको भी थोड़ा सा यू नो संभाल के यहाँ से मूवमेंट देना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो उनको भी पनिश करने से नहीं कतराने वाले ट्रांस एंड गिल। साथ ही साथ अगर हम आर्टिमस की बात करें वो भी भागते भागते जरूर आ रहे हैं टूवर्ड्स दी स्क्वाड हाउस, बट आई थिंक वहाँ पे यहाँ पे पूरा एक नया टीम देखने को मिल जाएंगे, सो उनके साथ फाइट लेना आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा लाइक इंटेलिजेंट का काम रहेगा। ब्रो यू आर अ गुड कास्टर, थैंक यू रिया राज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली सपोर्ट एंड गाइस अगर आप भी आपको जीवी देखने को मिल जाएंगे आर्टिमस जो लोकेशन पे है, देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा वो ऑफ गार्ड क्रिएट कर पाते हैं अपने फिनिशर्स के लिए, बट ट्रांस को थोड़ा सा यहाँ पे यू नो संभाल के खेलना पड़ेगा बिकॉज टूथलेस नो आई थिंक कुछ आइडिया अभी तक नहीं है ट्रांस के बारे में, बट जिस एंगल पे वो मौजूद है ट्रांस को काफ़ी आसानी से वो स्पॉट कर सकता है। गिल की भी बात करें, गिल एक फ्लैंक के साथ जा रहा है एंड देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा वो फ्लैंक जो है। तो गाइस मीटिंग द कास्टर एक अटेंजित गेमिंग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे भी जाके फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे ब्लाइंड के जो खिलाड़ी है वो यूडॉक को तो जरूर एलिमिनेट करते हैं, बट फिलहाल गॉड मौजूद है ट्रांस की तरफ से, यहाँ पे एक नॉक हमें देखने को मिल जाएगा तो भी स्पॉट किया जाता है, बट मावी इस बार वो अपने एक्यूरेट फ्रेंड्स के साथ ट्रांस को डाउन करेंगे। ऑन दी ग्रैंड संयम की बात करें वो नॉक हमें जरूर देखने को मिल रहा है, बट लकीली वो कवर तक भी पहुंच जाएंगे, तो या बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे ऊपर चले गए हैं, बस देखना पड़ेगा क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज देखिए जस्ट बेली ब्रीथिंग ऑन 180 एंड यहाँ पे वो भी हमें नॉक होता हुआ सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा।